بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين یہ قرآن مجید کا سورہ طور ہے. سورہ طور قرآن مجید کا 52 سورہ ہے, 52nd چیپٹر. اس سورہ طور کی یہ آیت آج اس لیے عنوان تقریر ہے کہ دو چار ضروری باتیں بصورت پیغام آپ تک اگر پہنچ سکیں اور اس کی حفاظت ہو سکے تو یہ حاصل مجلس ہے. ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, اور ان کی ذریت نے جب ایمان میں ان کی پیروی کی, وَالْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, ہم نے ان کے عمل میں سے کسی چیز میں بھی کمی نہیں کی. اور یوں تو ہر انسان اپنے کیے کا مرہون ہے, یوں تو ہر انسان کی ذمہ داری اس کا اپنا عمل ہے, مگر جب ذریت ایمان میں اپنے بزرگ خاندان کی پیروی کرتی ہے تو ہم ذریت کو اس خاندان کے بزرگ سے ملحق کر دیتے ہیں تاکہ دونوں کے عمل میں کوئی فرق باقی نہ رہے. جو ان کا عمل ہو وہی ان کا عمل قرار پائے, جو ان کا عمل ہو وہ ان کا عمل قرار پائے, اس لیے کہ اتباع ایمان میں ہے, اور جہاں اتباع ایمان میں پیدا ہوتا ہے وہاں ذریت اپنے بزرگ خاندان سے ملحق کر دی جاتی ہے. یہ سورہ طور کی آیت ہے. آج صبح بھی میں نے اس سلسلے میں رضویہ کالونی میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی, چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل آج ہو جائے, اور اگر پھر بھی میں قابو نہ پا سکا اپنے طریقہ بیان پر اور میں سمجھا نہ سکا تو میرے لیے شاید کل رات مرکزی امام بارگاہ میں 8:30 بجے
एक और मौका है, मैं फिर इसी फिक्र को मुसलसल कर दूंगा। मुझे आज आपसे एक बात दरियाफ्त करनी है, और अगर आप जानते हैं तो यकीनन आप अपने दिलों में इस अमर की गवाही देंगे कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। एक बात यह है कि जुर्रियत से मुराद क्या है, जुर्रियत से मुराद क्या है, यानी क्या ऐसा नहीं है कि जुर्रियत औलाद को कहते हैं, औलाद के अलावा भी जुर्रियत है, क्या अजवाज जुर्रियत में दाखिल है, क्या उम्मत जुर्रियत में दाखिल है, या और मुताबियत करने वाले जो मुमकिन है कि आला मरातिब इरफान पर फायज हों, क्या वो जुर्रियत में दाखिल हो सकते हैं। कुरान मजीद ने इस लफ्ज के माना को महदूद कर दिया और सिर्फ यह माना औलाद तक आए, औलाद औलाद की औलाद जुर्रियत है। चुनाचे कलाम मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर यह जुर्रियत का तस्करा है। हाफिजा जहां तक मेरा साथ देगा मैं आयतों की तिलावत करते जाऊंगा ताकि आपको जुर्रियत के माना समझ में आए। पहली मंजिल इरशाद हुआ कि हमने इब्राहिम को अता किया इसहाक और याकूब, वहबना लहू इसहाका व याकूब, कुल्लन हदायना, हमने उनकी हिदायत की, व नूहन हदायना मिन कबल, और इससे पहले हम नूह की हिदायत कर चुके थे, व मिन जुर्रियत ही, और नूह की जुर्रियत में से दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन, व इस्माईला व यसा व यूनुसा व लूतन कुल्लन फज़लना अलल आलमीन, व मिन आबाएहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। ज़ुर्रियत नूह में से, नूह की औलाद में से नाम ले लिए, नाम ले लिए, वमिन ज़ुर्रियतिहिम दाऊद सुलेमान अय्यूब यूसुफ मूसा हारून इस्माईल अलियसा यूनुस लूत ईसा, सब के नाम लिए मामून रशीद ने, अली इब्न मूसा रज़ा सलावतुल्लाहि व सलामहु अलैह से पूछा कि ये आयए मुबाहला में आप अपना नाम कैसे आ गए, हालांकि आप बेटी की औलाद हैं। इरशाद फरमाया उसी तरह से आए जैसे ईसा माँ की तरफ से ज़ुर्रियत नूह पैदा। ये सूरह अनाम की आयत है, ये सूरह अनाम की आयत है कि अगर नूह की ज़ुर्रियत में माँ की तरफ से ईसा दाखिल हो सकते हैं और फिर भी लफ्ज़ ज़ुर्रियत ईसा पर आ सकता है तो उसके माना ये है कि नवासे ज़ुर्रियत बनते हैं। पहली मंजिल ज़ुर्रियत औलाद, चौदवा सूरा, ये सूरह नाम की आयत पढ़ रहा था, चौदवा सूरा सूरह इब्राहिम, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतकल मुहर्रम, हजरत इस्माईल को ले जाके खाने काबा के पास आबाद किया और दुआ की, परवरदिगार मैं अपनी बाज़ ज़ुर्रियत को तेरे मकान के करीब आबाद कर रहा हूँ। इस्माईल को इब्राहिम ने ज़ुर्रियत कहा, बेटा ज़ुर्रियत में दाखिल है,
बेटा जुर्रियत में दाखिल है, नहीं बेटे की औलाद जुर्रियत में दाखिल है कि अगर इस्माइल साहेब औलाद हो तो परवरदिगार लयुकीमुस्सलात, ये सब के सब मिलकर नमाज को कायम करेंगे। मेरी दुआ ये है वजअल अफ़ेदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, इंसानों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे, इंसानों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे। इतनी दुआ है, ये ज़ुर्रियत इब्राहिम में से हैं। आले इमरान इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बाज़हा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। हमने आदम को मुस्तफ़ा किया, नूह को मुस्तफ़ा किया, आले इब्राहिम को और आले इमरान को मुस्तफ़ा किया। एक की ज़ुर्रियत को दूसरे की ज़ुर्रियत पर हमने बुजुर्गी अता की और एक की ज़ुर्रियत से दूसरे की ज़ुर्रियत का सिलसिला आगे बढ़ा। ज़ुर्रियतन बाज़हा मिन बाद, जब मासूम से पूछा गया ज़ुर्रियतन बाज़हा मिन बाद के क्या माना है, इरशाद फरमाया नस्ल अली औलादे नबी। अलीम। कुछ और आपने ज़ुर्रियत को समझने की कोशिश की। अब सूरह फुरकान, यह कलाम मजीद का 24वां सूरा है और इसमें सराहत यह की गई कि परवरदिगार वो हब लना यानी मुत्तकीन दुआ कर रहे हैं। मैं आयतों का अगर तसलसल जारी रखूं तो बहुत देर हो जाएगी और मैं आज बहुत थका हुआ हूं, तकलीफ़ के आलम में तकरीर कर रहा हूं, इसलिए मैं उन्हीं हिस्सों को पा रहा हूं कि जो हिस्सों के मुताल्लिक जिन हिस्सों के मुताल्लिक दिल चाहता है कि आपके जहन में रह जाए। ये सूरह फुरकान की आयत है, हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना क़ुर्रत आयुनिन। साहिबान तकवा कहेंगे कि हमारी बीबियों और हमारी ज़ुर्रियतों में हमको आँखों की ठंडक अता कर। ज़ौजा ज़ुर्रियत नहीं है, ज़ुर्रियत और है, ज़ौजा और है। वो हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिल्मुत्तकीन इमामा। परवरदिगार हमको मुत्तकीन का इमाम बना, हमारी अज़वाज में से और हमारी ज़ुर्रियात में से हमको आँखों की ठंडक अता कर। तो पता चला ज़ुर्रियत और है, अज़वाज और। यही वजह है कि अज़वाज ने ज़ुर्रियत में दाखिल होने का किसी नबी के ज़माने में भी दावा नहीं किया, दावा नहीं किया। इसलिए कि नबुव्वत की शर्त यह थी कि जब इब्राहिम का और नूह का तज़किरा किया कुरान ने तो कहा वजअल्ला फी ज़ुर्रियतिहिम नबुव्वत वल किताब, हमने इन दोनों की ज़ुर्रियत में नबुव्वत भी अता की, किताब भी दी। किसी औरत को तो नबुव्वत नहीं मिली थी, हमने औलाद इब्राहिम में और औलाद नूह में नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की। अब ज़ुर्रियत के माना यकीनन आपके जहन में आ रहे होंगे। हजरत इब्राहिम सूरह बकरा, हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रब्बना, बाप और बेटे मिलके दुआ कर रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। परवरदिगार हम दोनों को यानी इब्राहिम और इस्माइल को दो मुस्लिम बना। वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी औलाद में एक उम्मत मुस्लिमा बने। वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और उनमें से एक रसूल को मबऊस कर हमारी औलाद में से। जब नबी दुआ करता है ज़ुर्रियत के लिए दुआ करता है, और जब खुदा अता करता है तो ज़ुर्रियत के लिए अता करता है। अब मैं क्या कहूँ और किसके लिए कहूँ, नबी के मुताल्लिक कहूँ कि उसकी निगाह में फ़कत औलाद रहती है, और अल्लाह के मुताल्लिक कहूँ कि उसकी निगाह में फ़कत अपने बंदों की औलाद ही रहती है, कि जब नवाजेंगे तो इसी औलाद को नवाजेंगे और जब अता करेंगे इन्हीं औलाद को अता करेंगे। तो अब मोतरजीन को क्या जवाब
جواب دے کہ جب نگاہ عنایت الہی کسی ایک ہی سمت پہ جائے کہ جب نبی کو سرفراز کرتے ہیں تو نبی کی اولاد کو بھی سرفراز کریں گے تو اس قادر مطلق کو کون روک سکتا ہے کہ دینے والے یہ اولاد کو کیوں دیتا ہے؟ کیا نوح کی امت نہیں ہے؟ کیا ابراہیم کی امت نہیں ہے؟ کیا موسیٰ کی امت نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ کی امت نہیں ہے؟ ارے آج نبوت ان کے پاس رہے کل نبوت اس قبیلے میں جائے پھر نبوت کسی اور قبیلے میں جائے امت میں گھومتی رہے تاکہ جمہوریت کی بنیاد کہیں تو پڑے۔ مگر سنت الہی ہے، سنت الہی ہے کہ ایک ہی گھرانے کو چنا، آدم کو لیا تو پھر آدم کی اولاد میں سے جس جس کو مجتبا کیا، جس جس کو مصطفیٰ کیا، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی، اس کی اولاد میں بزرگی عطا کی اور اس کی ذریت کو کامیاب و کامران کیا۔ اب تک تو بحث میں نے یہ اس طرح سے کی ہے کہ یہ آیتیں اور یہ گفتگو صبح کی تقریر میں نہیں تھی، لیکن صبح کی تقریر میں میں نے ایک آیت پڑھی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی تلاوت کروں اور اس کو پھر دہراؤں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صبح کو، یہ سورہ بقرہ کی 266 آیت ہے، 266۔ اور ارشاد ہوتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِّن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ عجیب آیت ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اس میں نہریں بہ رہی ہوں، اور ایسے میں وہ باغبان بوڑھا ہو جائے؟ کیا کوئی باغبان یہ پسند کرے گا کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کی ذریت کمزور ہو؟ اس مثال کو دیکھیے، یہ مثال ہے کہ جہاں آنکھیں انسان کی کھل جاتی ہے آیت خود ختم ہوتی ہے، ابھی پڑھ رہا ہوں آیت کو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ تمہارا کوئی باغ ہو، ملکیت ہو، پھل والے درخت ہوں، اس میں نہریں ہوں، اور ایسے میں تم پر ضعیفی طاری ہو جائے اور اولاد کمزور ہو؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، وہ کمزوری کی وجہ سے وہ مدافعت نہ کر سکے اور ایک مرتبہ باد حوادث کی نظر ہو جائے وہ باغ، فاحترقت، اور وہ سارا جل کے رہ جائے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے خداوند علی اعلی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلهم يتفكرون، لعلكم تتفكرون، تاکہ تم فکر سے کام لو، تم غور کرو۔ یعنی اگر کسی کی بھی کوئی ملکیت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بعد میری اولاد اس قابل ہو جو اس ملکیت کو سنبھال سکے۔ یہ ہے قرآن، بہت غور۔ کسی کی بھی ملکیت ہو، مکان چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، تجارت چھوڑ رہا ہے، آپ کو جانتے ہیں یہ تجربہ کتنا عجیب تجربہ ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کیا باپ نہیں چاہتا کہ بیٹا مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے تجارت پر کام کرنے کے قابل ہو جائے، تجارت کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے؟ کیا کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ملکیت پر قابض اور تصرف جب اس کی اولاد ہو تو اس میں صلاحیت بھی ہو؟ یہ ذرا سی ملکیت کا حال ہے، ذرا سی ملکیت کا حال ہے کہ جہاں انسان کوئی باغ چھوڑے تو دل چاہتا ہے کہ ذریت ضعیف نہ ہو، ضعیف کے معنی آپ سمجھے کمزور نہ پڑ جائے اولاد۔ ایسے میں کہ جب کسی انسان کامل کو امتداد زمان و مکان میں، امتداد عقل و فکر میں، قیامت تک کے لیے اپنے باغ کو رکھنا ہے تو کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ اس کی ذریت کمزور ہو جائے؟ یہ صبح کو میں نے سوال کیا تھا، یہاں سوال امتوں کا نہیں ہے، ذریت کا سوال،
जुर्रियत का सवाल है कि तुम्हारा बाप है, औलाद ताकतवर रहे ताकि संभाल सके बाप को, और अगर ये रसूल का लगाया हुआ बाप है तो रसूल की ख्वाहिश यह होगी कि मेरी औलाद इतनी कवि रहे, इतनी कवि रहे कि कयामत तक कुरान के साथ साथ जाए, कयामत तक कुरान के साथ साथ जाए और मुहाफिजत करती जाए इस्लाम की। इसलिए कि इस्लाम में बड़े बड़े कार फरमाए, इस्लाम में बड़े बड़े सलातीन आए, इस्लाम में बड़े बड़े दौलतमंद आए जिनके जलालो जबरूत से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं, मगर किसी ने भी जाते वक्त अपनी जुर्रियत को यह वसीयत नहीं की कि इस्लाम का ख्याल रहे। हाँ, इसका मेरे मुल्क का ख्याल रहे, इस ताज का ख्याल रहे, इस खजाने का ख्याल रहे, बड़ी मुश्किल से दौलत हासिल की है इसका ख्याल रहे। बात यह है जिसकी जो मिल्कियत होती है उसी की वसीयत कर सकता है, इस्लाम किसी की मिल्कियत नहीं है। वसीयत तो वही होती है जहाँ यकीन हो कि ये तो मेरा माल है, इसकी हिफाजत करो, और फिर वसीयत वहाँ काम भी करती है जहाँ वाकई किसी का लहू पानी हुआ हो किसी दौलत के कमाने में, तो बेटे से कह के जाता है इसका ख्याल रखना। इस्लाम में बड़े बड़े आदमी आए, उलमा, फुजला, सुलहा, औलियात, खिया, मगर खातमुन नबीजीन ने जिस तरह से अपनी जुर्रियत की तरबियत फरमाई हिफाजत इस्लाम के लिए, हिफाजत इस्लाम के लिए, वो तरबियत आज तक फिक्र इंसानी के लिए एक एजाज है, एक एजाज है कि किस शान से तरबियत की और किस शान से हिफाजत की। अल्लाह ने जकरिया को बेटा दिया, अल्लाह ने इब्राहिम को एक फर्जंद अता किया, वो चाहता तो खत्मुल मुर्सलीन को भी बेटा देता, लेकिन अगर बेटा दे देता तो हिफाजत इस्लाम नामुमकिन थी। इसलिए नामुमकिन थी कि बाप के बाप फौरन बेटा ये कहता ये तो मेरा हक है, लेकिन हवस परस्त निगाह है इसको बर्दाश्त न कर सकती और वो बेटा रास्ते से हटा दिया जाता। इसलिए बेटी अदा की ताकि पर्दे में औलाद पले। मसलहत ईज़दी ये थी और दुआए पैगंबर ये थी कि मुझे फकत एक ही बेटी मिले, एक ही बेटी मिले। बेटियां और भी होंगी मगर कि कोई जैसा कि तारीख जानती है कोई जिंदा ना रह सकी, तारीख भी यही कहती है कोई जिंदा ना रह सकी, और अगर कोई जिंदा भी रही तो बिला अकब रही। सब के माने समझते हैं, यानी कोई और नवासा न बन सका। तारीख यहां तक तो हमसे बिगड़ के चली, एक बेटी कहते हो चार बेटियां, तो हमने कहा ठीक है मगर नवासों के नाम बताओ। अब हैरानी है इसलिए कि जहां बेख्तियार आफ्ताब निकल आता है वहां शमें खुद ब खुद बुझ जाती हैं, वहां चराग जर्द हो जाते हैं, तारीख बजुज इसके के सर झुका लेती। और क्या हो सकता था तारीख से, बेटियों के नाम तो बहुत से आए, नवासों के नाम ना आ सके,
और जब नमाजों के नाम आए तो दो नाम आए, वो दो नाम जो वक्त रहलत पैगंबर बड़े कम सिन साहबजादे थे। दुनिया ने कहा ये तो कम सिन है, ये तो कम सिन है, मगर अंदाज तरबियत ये था, अंदाज तरबियत ये था कि बच्चों इतना वक्त गुजार दो, मैं कुछ कहना चाहता हूं और कह ना सकूंगा, इतना वक्त गुजार दो कि हवादिस जमाना से अपने आप को बचा ले जाओ, हवादिस जमाना से अपने आप को बचा ले जाओ, इतना वक्त गुजार दो कि एक नवासा मदाइन के लिए तैयार हो, दूसरा नवासा करबला के लिए तैयार हो। बड़ी अजीब गुफ्तगु है, बहुत गौर करना पड़ेगा आपको, बहुत गौर करना पड़ेगा। अगर वाकई यकीन है, अगर वाकई ईमान है, अगर वाकई दीन की कोई हकीकत है, अगर वाकई रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा था, और अगर वाकई ये कुरान वही रब्बानी है, तो अल्लाह के इस इंतजाम को देखो कि जिस नतीजा से पूरी दौलत ले ली उसको एक जावेदा दौलत अता की। दौलत दुनिया ले ली उसको एक जावेदा दौलत अता की। कौन फातिमा? खतीजा की बेटी। खतीजा की बेटी कौन? खतीजा जो कयामत के दिन अपनी गई हुई दौलत पे नाज नहीं करेगी, बल्कि वो जावेदा दौलत पर नाज करेगी। मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। दुनिया में किसी माँ को ऐसी बेटी नहीं मिली, कायनात में किसी माँ ने ऐसी बेटी नहीं पाई जो अल्लाह ने खतीजा को दौलत दुनिया लेकर ये बेटी अता की। का जहरा, जहरा अब तुमको मरकज बनाते हैं जुर्रियत मोहम्मद के लिए, जहरा अब तुमको मरकज बनाते हैं औलाद खातम के लिए। अब सिलसिला जाएगा ये जहरा कौसर तक, कौसर तक। अब लिए चलो इस सिलसिले को, अब लिए चलो इस सिलसिले को, तो अल्लाह ने इस बेटी को दो बेटे दिए, दो बेटे दिए, और वो जुर्रियत रसूल में आए, अब ना अना की मंजिल पर आए। और दुनिया ने देखा, सारे उलमा ने लिखा, कभी कंधों पर, कभी पुश्त पर, कभी गोद में, ओ प्यार करते हैं, दुआएं करते जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये दोनों इमामाने कामा औ कादा, दोनों इमाम हैं, खड़े हो तो इमाम हैं, बैठ जाएं तो इमाम। अजीब जुमला है रसूल का, हालत क़याम में इमाम है, हालत क़ऊद में इमाम है, दोनों इमाम, दोनों इमाम है। अजीब इस्तिलाह वजा की पैगंबर ने, अजीब इस्तिलाह वजा की पैगंबर ने, और फखर इब्राहिम ही ये इस्तिलाह वजा कर सकता था, फखर इब्राहिम ही ये इस्तिलाह वजा कर सकता था, इसलिए कि पैगंबर जान रहे थे कि लफ्ज इमामत पे झगड़ा नहीं होगा, लफ्ज इमामत पर झगड़ा नहीं होगा। तरबियत इस अंदाज से हो कि बच्चे मेरे इमाम हैं, मेरे बच्चे इमाम हैं, नबी की जबान से यह जुमला निकला। और वहां इब्राहिम दुआ करते हैं, क्या मेरी जुर्रियत में इमामत जाएगी? मेरा सिलसिला कलाम समझ में आ रहा है। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي। जब हमने इब्राहिम का चंद कलमों से इम्तिहान लिया और वो कामयाब हुए, तो हमने कहा कि हम तुझको इंसानियत के लिए इमाम बनाते हैं। इब्राहिम ने कहा, क्या मेरी जुर्रियत में भी इमामत जाएगी? काला ला यनालु अहद जालिमीन, आवाज आई, जालिम तक अहद इमामत नहीं जा सकता। वहां इब्राहिम वमिन जुर्रियती कह के मान रहे हैं,
का मुख्तार मानता नहीं आता करता है। और कहता ये तो इमाम है इसलिए कि जान रहा है कि वहां मांगना इसलिए था कि ज़ुर्रियत इब्राहिम में जहां कहीं जुल्म जाएगा इमामत नहीं जाएगी। और रसूल अता इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के मुतालिक जानते हैं कि ये मजलूम है जालिम है। इतनी अजीब गुफ्तगू है। जालिम के लिए इमामत नहीं है और जब साहिब वही कहे तुम इमाम हो तो गोया ज़बाने रिसालत से निकले हुए इस जुमले ने ऐलान कर दिया कि यहां जुल्म नहीं है। अब दोनों इमाम किसी अंग्रेजी रोजनामे ने कुछ दिनों पहले हसन मुश्तबा का तस्करा करते हुए ये लिख दिया कि उन्होंने मदाइन के मैदान में अमीर शाम को इमामत हैंडओवर कर दी। मैंने हैंडओवर के लफ्ज को इस्तेमाल किया इसलिए कि वहां यह जुमला था कि उन्होंने इमामत हैंडओवर कर दी। ये ला इल्मी की दलील है, ये जहालत का ऐलान है, इसलिए कि इंसान सदाकत कैसे हैंडओवर करेगा, इंसान मोहब्बत कैसे हैंडओवर करेगा, इंसान शुजाअत कैसे हैंडओवर करेगा, इंसान सकावत कैसे हैंडओवर करेगा, इंसान फजाइल नफ्सी के कमाल को कैसे हैंडओवर करेगा। जहां सारे फजाइल नफ्सी मिल जाते हैं उसी को इमामत कहते हैं। इमामत कैसे हैंडओवर करेगा, खिलाफत तो हैंडओवर हो सकती है। इब्राहिम ने कुर्सी नहीं मांगी थी, फर्क यही है। इन्नी जाएलो का लिन्नास इमामा, मैंने इंसानियत के लिए तुझको इमाम बनाया। काला व मिन ज़ुर्रियती, तो मतलब ये नहीं था कि क्या ये कुर्सी ये पोस्ट ये ओहदा मेरी औलाद को भी मिलेगा। ये दुआ नहीं थी। वहां कुर्सी नहीं है मतलूब इमामत। जहां कुर्सी मतलूब होगी वो आज यहां है कल वहां है। लेकिन इमामत वो सिफात कमाल इंसानी का मजमुआ है कि जिसको इम्तिहान लेने के बाद खुदा इस मंजिल पर फाइज करे कि इन्नी जाएलो कलिन्ना से इमामा, तो फिर वो इमामत के हैंडओवर होने का क्या सवाल है। अगर नबुवतें भी हैंडओवर हुई हैं तो इमामत भी हैंडओवर हो। कभी आपने सुना नबी बीमार हो गया आजकल रुखसत पर है? कभी आपने सुना कि नबी से खुदा नाराज हो गया नबी मुअत्तल हो गया? कभी आपने सुना कि नबी ने कुछ दिनों अलालत की वजह से रुखसत ले ली? कभी आपने सुना कि नबी काम अच्छा करता था मगर एक मर्तबा पॉलिसी बदल गई और ऐलान कर दिया गया कि नहीं तुम काम छोड़ दो, हम दूसरे नबी को मुकर्रर करते हैं? दुनिया ने चूंकि नबुव्वत को नहीं पहचाना इसलिए इमामत समझ में नहीं आई। नबुवत ही को नहीं पहचाना इसलिए इमामत समझ में नहीं आई। न नबुवत कुर्सी है न इमामत कुर्सी है, इसलिए मदाइन के मैदान में इमामत के हैंडओवर होने का सवाल क्या था। इमाम मदाइन के मैदान में रहमानियत मोहम्मद काम कर रही थी, रहमानियत मोहम्मद काम कर रही थी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, न मुझ में इतनी काबिलियत है कि एक एक जुमले की तशरीह हो। हसन मुश्तबा चाहते थे कि इस वक्त मिल्लत जिस राह से गुजर रही है उसको उसी राह पर रहने दो, फकत इसलिए कि अभी हदफ इमामत नहीं है।
نہیں ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے، حکومت ظاہری ہدف ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کو حکومت ظاہری مل گئی تھی، صفین میں لڑے، نہروان میں لڑے، شہادت پائی، اب حسن مشتبہ بھی لڑیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، میرا فرض منصبی کچھ اور ہے، اگر تم سمجھ رہے ہو یہ حکومت تم کو پسند ہے تو لے جاؤ حکومت کو، پشت پا زد بر سر تاج و نگین، ایک ٹھوکر مار دی، یہ تخت لے جاؤ، یہ تاج لے جاؤ۔ مگر امامت ہدف نہیں ہے، خود امیر المومنین کی 24 برس کی خاموشی میں علی جان رہے تھے کہ میرا مقام مولائیت کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر رسول غدیر میں کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کسی اور نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بڑے سمجھدار تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے قابل تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، بڑے جہاں دیدہ تھے رسول کے ساتھ رہنے والے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی مولا ہیں، یہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ مولائیت کی منزل پر آتے، اس لیے کہ مولائیت کی منزل منیت کی منزل تھی۔ منیت کی منزل یہ ہے کہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اسی کو ثابت کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، یہ منیت کی منزل تھی۔ تو عقل مند انسانوں نے کہا اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے، اس نام سے ہم کو کام نہیں ہے۔ لقب ہے تو مبارک، اس میں ذات ہے تو مبارک، اس میں صفت ہے تو مبارک، تمہارا کوئی عہدہ من اللہ ہی ہے تو مبارک، ہم کو یہ مولائیت نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ مولائیت آسان نہیں ہے، وہ اولا بالتصرف ہونا پڑتا ہے۔ اولا بالتصرف اس طرح سے ہونا پڑتا ہے کہ مادے میں جان ڈالے، رنگ میں روح بھر دے۔ شیر کی تصویر کو دیکھ کے اگر کہے کہ شیر ہو جا، تو تصرف کا حکم سنتے ہی قالین پر کھچی ہوئی شیر کی تصویر ایک مرتبہ مجسم ہو کے مامون پر حملہ کر دے اور وہ پناہ میں آئے، یہ ہے اولا بالتصرف۔ اولا بالتصرف، اولا بالتصرف وہ ہے کہ جو مواد عالم پر حکومت کرے، جو مادہ کائنات پر حکومت کرے اور جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کرے، یہی وہ منزل ہے مولائیت کی جو آگے بڑھ گئی۔ حسن ابن علی مطمئن تھے، مطمئن تھے، دنیا سمجھ نہیں سکتی ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں، میری وہ خصوصیتیں جو مجھے حاصل ہیں، یہ نہیں بدلتی ہوئی دنیا کی، بدلتی ہوئی حکومتیں قیامت تک اگر متحد ہو جائے تو جب بھی میرے فضائل نفسی کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام حسن ابن علی محمد کا بڑا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی ہے بدل، کوئی ہے سبسٹیٹیوٹ، ہے طاقتوں میں یہ امکان کہ کوئی حسن بنا دے؟ طاقتوں میں بس اتنا ہی امکان ہے، اتنا ہی امکان ہے کہ ضعیف تھے، کمزور تھے، لڑنے پہ آمادہ نہ تھے، بہت سی بیویاں تھیں، خاموشی کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، صلح کی منزل پہ آ گئے اور اس طرح سے زندگی گزار دی۔ جتنا پروپیگنڈا اس امام مظلوم کے خلاف ہوا ہے، تاریخ امامت میں کسی کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ نہروان کی مار کھائے ہوئے، صفین کی تلواروں کی زد میں آئے ہوئے، آخر کچھ تو بدلا چاہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حسن ابن علی نے یہ چاہتے تھے کہ لڑیں گے، حسن نے کہا یوں نہیں لڑوں گا، میرے بابا بھی اسی لیے بعد رسالت نہیں لڑے تھے کہ کہیں بچے ضائع نہ ہو جائیں۔ تم لڑنا چاہتے ہو فقط اس لیے کہ مدائن ہی میں حسین ہلاک ہو،
तुम इसलिए लड़ना चाहते हो कि मदाइन के मैदान ही में हुसैन हलाक हो जाए? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तलवार फेंक दी। दुनिया को अंदाजा नहीं था, दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अली का बेटा मदाइन के मैदान में तलवार फेंक देगा। वो तो इस जोश में आए थे कि नहरवान का बदला लेंगे, सिफीन का बदला लेंगे, जमल का बदला लेंगे, अली की बहादुरी का बदला लेंगे, बदरों ओहद की दास्तानों को दोहराएंगे। और यहाँ शहजादा एक तौलाइन ने आते ही सारी सियासत पे पानी फेर दिया। समझने की मैं क्या कह रहा हूं? तारीख ये कहती है कि लोग उठ उठ के चले गए, तारीख कहती है कि उसने ब्राइब किया, तारीख कहती है कि वोजों को उसने अलाहदा करने की कोशिश की। कुछ नहीं, सोची हुई बात थी, समझी हुई बात थी, नाना की वसीयत थी, बाबा की बसीरत थी, और हुक्म यही था मैदान में आओ, दुनिया बंदी, अब लड़ाई होगी। तलवार फेंक। सब हैरान हो गए कि हसन बचा ले गए इस घर को। खुदा के लिए समझिए क्या एहसान है हसन मुश्तबा का। दुनिया हैरान है, हसन बचा ले गए, हसन बचा ले गए। सारा प्रोपेगेंडा खामोश होकर रह गया। और फिर तारीख, तारीख वकाए अय्याम अरब के लिखने वाले एक एक दकीके को तो महफूज कर लें। अरब में थे कितने कबाइल, सारे रबी और मुजर की औलाद। मक्के में थे कितने कबाइल, मदीने में थे कितने कबाइल। इनके लिए आसान नहीं था 64 बीबियों के लिए या 100 बीबियों के लिए कबाइल को लिख लेना, इस कबीले से ये औरत आई थी, इस कबीले से ये औरत आई थी, इस कबीले से ये औरत आई थी, इसका ये नाम था। जब तारीख खुली तो कुल 5 बीबियों का नाम निकला, कुल 5 बीबियों का नाम निकला। और फिर तारीख चुप हो गई। ये कह के कहते हैं कि बहुत सी बीबियां थी। अरे बताओ ना, कबीले कौन कौन से थे? आप समझ रहे, ये बातें प्रोपेगेंडे में आई। और कहा कि बहुत ही हलीम है, बहुत ही साबिर है। इंतहा ये है कि अहमदी कमेंटेटर मोहम्मद अली, जो अहमदी तबके से हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर में आए मुबाहला का जिक्र करते हुए अहले बैत का नाम भी नहीं लिया कि अबना आना में कौन आए, तफसीर है हालांकि, निसा आना में कौन आए, अनफुसना में कौन आए, नाम तक किसी का नहीं लिया। मगर आले इमरान की इस आयत की तफसीर करते हुए वल काज़मीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इस आयत की तफसीर करते हुए कहा यह हसन इब्ने अली के लिए नाज़िल हुई। और फिर वो लिख के कहा कि मैं जॉर्ज सेल से इसको नकल कर रहा हूं, जॉर्ज सेल से इसको नकल कर रहा हूं कि गर्म गर्म खौलता हुआ पानी खादिम के हाथ से गिर पड़ा। उसने बेख्तियार कहा वल काज़मीन अल गैज़। आपने कहा मैंने गुस्सा तो नहीं किया था ना? उसने कहा वल आफीना अनिन नास। आपने फरमाया मैंने आजाद कर दिया। उसने कहा अल्लाह मुहसिनीन को दो सकता है? आपने कहा 800 दिरहम दे दो और कहो कि ज्यादा सफर दुरुस्त कर ले। जॉर्ज सेल लिखता है कि इससे बेहतर और इससे ज्यादा नोबल कोई मिसाल नहीं मिलती है इंसान की सखावत की। हसन मुजतबा उस मंजिल पर है कि जहां निगाह इमामत जान रही है कि जुर्रियत रसूल को कवि कैसे करना है, जुर्रियत रसूल को बचा के कैसे ले जाना है। मदाइन से बचा के लाए। 10 बरस तक मदीने में हिफाजत की और हिफाजत करके जाते जाते कहा भाई अब तुम इमाम हो, तुम बेहतर जानते हो कि और कितने दिन हिफाजत चाहिए, आखिरी फैसले के लिए कितने दिन हिफाजत चाहिए। भाई अभी बच्चों को जवान होना है, जो बच्चे पैदा नहीं हुए अभी उनको सामने दुनिया में आना है। अभी रुको, अभी कहो, करबला इंतजार करे।
करबला इंतजार करे, जो हसन को न पहचान सका वो हुसैन को भी न पहचान सका, जो हसन को नहीं जान सका उसने यकीनन हुसैन को नहीं जाना। तकरीर खत्म हुई। हसन इब्ने अली उस मंजिल पर पहुंचे कि जहां तीन मर्तबा मुसलसल आपको जख्मी किया गया, वो मंजिल भी आई जहां बार बार जहर दिया गया, और आज की रात जब आई तो पानी में जहर दे दिया। निस्फ शब के वक्त उठे और जब प्यास लगी तो सर ब मोहर कूजे को खोला, पानी पिया, और पानी पीते ही आवाज दी, हाय मेरा जिगर कट गया, हाय मेरा जिगर कट गया, इतना सख्त जहर मिला दिया गया था। मेरे मौला का सिन कुल 47 बरस का था, कुल 47 बरस का था, सामने तश्त ला के रख दिया गया। मजलूम इमाम बराबर अपने जिगर के टुकड़ों को उगल रहा था, और हुसैन इब्ने अली मुसलसल आंसू बहाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि सरवरो सरदार, आपको तो इल्म होगा ना कि किसने जहर दिया। इरशाद फरमाया, भाई क्या करोगे, नाम सुन के क्या करोगे, मसलहतों का तकाजा ये है कि अभी ये खुले नहीं कि साजिश क्या है। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं न खोलूं कि साजिश कहां से चल रही है। हुसैन इब्ने अली, तुम्हारी जिंदगी का कमाल ये है कि तुम साजिशों को खोल के रख दो कि साजिशें कहां से हुई और अंजाम क्या था। अब मुझसे न पूछो कि कातिल कौन है, मगर भाई मेरी बड़ी तमन्ना यही थी कि चूंकि नाना मुझे बहुत चाहते थे, इसलिए जब मर जाऊं तो हो सके तो नाना के पहलू में दफन कर देना, नाना के पहलू में दफन कर देना। ये तारीख इमामत का अजीब बाब है कि नवासे ने ख्वाहिश की कि नाना के पहलू में दफन हो, मगर जमाने ने साथ नहीं दिया। इससे बढ़ के भी कोई और मुसीबत हो सकती है। और उसके बाद का दूसरी वसीयत ये है हुसैन कि मेरी तमन्ना तो ये थी कि मैं कुछ इतने दिन रह जाता कि मैं शायद तुम्हारे साथ करबला में आता, मगर भाई जमाने ने साथ नहीं दिया, इसलिए हुसैन ये मेरी औलाद है, ये सब की सब करबला में रहेगी। आज की इत्तला के लिए हसन मुश्तबा के 8 साहबजादे करबला में मौजूद थे, 8 साहबजादे करबला में मौजूद थे, जिसमें 5 शहीद हुए और 3 जख्मी होके बाहर आए। उनमें से 2 की औलाद है जो आज तक दुनिया पर हुकूमत कर रही है, उसी में ये हकीम तबाई है, उसी में वो बुरुजर्दी है जिनका इंतकाल हुआ। ये आले ताऊस है औलाद हसन में, ये औलाद हसन है जो हर दौर में और हर अहद में कत्ल की जाती रही। वो शहदाए फख्र औलाद हसन में से हैं कि जिन पर देहबल ने मरसिया कहा था, और फिर औलाद हसन में अब्दुल्लाह महज हैं, मोहम्मद इब्राहिम हैं कि जिनको मंसूर दवानकी ने हमेशा के लिए कैद में रखा। हाय अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह हसन मुसन्ना के बेटे हैं, अब्दुल्लाह हसन इब्ने अली के पोते हैं, हुसैन इब्ने अली के नवासे हैं। अब्दुल्लाह जिंदगी भर बगदाद की कैद में रहे, नमाज पढ़ रहे थे कि एक मरतबा दरबान ने पुकार के कहा, अब्दुल्लाह जल्दी नमाज खत्म करो, हाकिम ने तोहफा भेजा है। नमाज के बाद तोहफे को मुड़ के देखा तो बेटा देखा जवान बेटे का सर कटा हुआ सामने आया। ये मोहम्मद नफ्से जकिया का सर था जो बूढ़े बाप के लिए हाकिम वक्त ने भेजा था, तो सर की पेशानी पर बोसा दे के बाप ने कहा, हाँ मोहम्मद, हसन की औलाद से यही तवक्को है। औलाद हसन ने करबला में हुसैन का बड़ा साथ दिया, कहा कि भाई मेरी तरफ से मेरे बच्चे नयाबत करेंगे, जाओ अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह के हवाले किया।
گفتگو ختم ہو رہی ہے. حسین ابن علی نے دونوں باہیں حسن ابن علی کے گلے میں ڈال دی اور کہا کہ آپ سے اور مجھ سے جو محبت تھی اس کا علم اللہ کو ہے یا میرے نانا کو ہے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں مگر شاید میں دل بھر کے نہ رو سکوں گا. بس ہو گئی گفتگو. جب قاسم ابن حسن رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب بیان کرتی ہیں کہ چچا نے بھتیجے کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور اتنا روئے کہ امام میں بے ہوشی طاری ہو گئی. لوگوں نے کہا فرزند رسول کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسن یاد آ گئے. بھائی حسن یاد آ گئے. اور جب قاسم چلے لڑنے کے لیے اور آواز دی چچا جان میری مدد کیجئے تو علی اکبر کی آواز پر جانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا. عباس کی آواز جانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا اور محمد کی لاشیں اٹھانے والا تلوار کھینچ کے نہیں گیا تھا. مگر جب حسن کے لال نے پکارا چچا جان میری مدد کیجئے تو کہا عباس تم ادھر سے حملہ کرو میں ادھر سے حملہ کروں.